हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आप मार्केट जैसा टेस्टी बेसन के लड्डू बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसे बनाने के लिए चाहिए आधा किलो बेसन में 250 ग्राम घी। हमें यहाँ मोटे बेसन का यूज़ करना है, जो लड्डू वाला बेसन आता है। जब कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाए तो मैंने इसमें एक कटोरी घी लिया है देसी। घी के गर्म हो जाने के बाद में बेसन को हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और घी भी एक साथ नहीं डालना सारा, मैंने अभी इसमें एक कटोरी घी लिया है केवल। मैंने इसमें सारा बेसन डाल दिया है आधा किलो, और इसमें थोड़ा घी और ऐड किया है, आधी कटोरी और लगभग। घी हम इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि जो हमारा बेसन है वो अच्छे से भुन पाए। अब इसको चलाते रहेंगे लगातार। अब हमें बेसन को लगातार चलाते हुए लगभग 15 मिनट तक इसे भूनना है, और ध्यान रखना है कि बेसन हमारा बिल्कुल भी जले ना। बेसन भूनने के लिए हमें गैस की जो फ्लेम है वो लो ही रखनी है बिल्कुल। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और बेसन हमारा लगभग भुनने लगा है। मैंने इसमें थोड़ा सा घी और ऐड किया है, और अब बेसन को लगभग हम 10 मिनट तक भूनेंगे लो फ्लेम पर ही, और लगातार चलाते रहेंगे इसको। ये लड्डू एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बेसन हो गया है हमारा भुन करके रेडी। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी बेसन को, और अच्छे से ठंडा कर लूँगी। बिल्कुल ठंडा करके ही हमें इसमें चीनी का पाउडर ऐड करना है। मैंने इसमें 2 कटोरी चीनी का पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा कम मीठा भी रख सकते हैं, ज़्यादा मीठा भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसकी छोटी छोटी बॉल बना लेंगे, यानी कि छोटे छोटे लड्डू। ये देखिए इस टाइप से, और आप चाहे जैसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इन लड्डू को काजू से डेकोरेट किया है। ये देखिए हमारे लड्डू बन करके हो गए रेडी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।